सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 18 रविवार 6 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में मेकर्स ने गुरुवार के दिन दो नए प्रोमो जारी किए। इन दो प्रोमो के जरिए मेकर्स ने शो में हिस्सा लेने वाले दो कंटेस्टेंट्स का नाम कंफर्म किया। पहला प्रोमो साउथ सुपरस्टार महेश बाबू की बहन एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर, तो वहीं दूसरे प्रोमो में टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के एक्टर हैं। कौन है ये एक्टर जो ये रिश्ता के बाद बिग बॉस में नजर आने वाले हैं? बता दें कि इस प्रोमो में एक्टर कहते हैं कि मैं पंजाब से हूँ और मैंने 4 शोज किए हैं। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ एक दिन जब मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे पूरी यूनिट के सामने इंसल्ट किया और इंसल्ट करके मुझे शो से निकाल दिया। मेरे मुकद्दर से ज्यादा मेरी औकात नहीं कि मैं ले लूं और मेरे मुकद्दर का ले ले किसी में इतनी औकात नहीं। इसके बाद एक्टर की धुंधली सी झलक दिखाई देती है। वेल, ये प्रोमो देखकर ही पता चल रहा है कि ये एक्टर शहजादा धामी है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि शहजादा धामी ये रिश्ता क्या कहलाता है से पॉपुलर हुए थे। रातों रात एक्टर को शो से निकाल दिया गया था। बाद में प्रोड्यूसर ने सामने आकर ये बयान दिया था कि शहजादा का सेट पर रवैया अनप्रोफेशनल था। शहजादा धामी काफी डिमांडिंग थे और मेकर्स को परेशान करते थे, जबकि शहजादा ने इससे विपरीत ही बयान दिया। एक्टर ने कहा कि उन्हें सेट पर इंसल्ट किया जाता था और वो ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करते थे। शहजादा के साथ शो में लीड निभाने वाली प्रतीक्षा होनमुखे को भी शो से निकाल दिया गया था। प्रतीक्षा पर भी सेट पर टैंटम्स दिखाने के आरोप लगाए गए थे। बताते चलें कि शहजादा धामी ने साल 2020 में स्टार प्लस के शो ये जादू है जिनका से टीवी डेब्यू किया था। इसके बाद 2021 में शहजादा ने कलर्स टीवी का शो छोटी सरदारनी किया और फिर 2022 में दंगल टीवी के शो शुभ शगुन में नजर आए शहजादा। और अब 2023 से 2024 ये रिश्ता क्या कहलाता है में काम कर रहे थे एक्टर, लेकिन उन्हें सेट से निकाल दिया गया बाहर। 2024 के अंत में अब एक्टर बिग बॉस में अपने फैंस को एंटरटेन करते नजर आएंगे। फाइनल कॉक न्यूज डेस्क।